वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम लीनियर एल्जेब्रा का बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा वेक्टर में इस एंट्री करना। देखो, समझना बात को, जो लीनियर एल्जेब्रा होते हैं, ओके, लीनियर एल्जेब्रा में एक होता है बेसिक पार्ट और एक दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर पार्ट। वेक्टर पार्ट तो इस बेसिक पार्ट के बारे में आपको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि इस बेसिक पार्ट में क्या होता है, वेक्टर किसको, सॉरी, ये मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स को कैसे निकाला जाता है, इनवर्स किसको कहते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा इस पार्ट में, इस बेसिक पार्ट में, ठीक। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं। बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसमें अब क्या पढ़ना है, इसका जो सबसे मेन दो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू, और दूसरा होता है आइगेन वैक्टर, ठीक। आइगेन वैल्यू और आइगेन वैक्टर होता है। अब बात आती है कि आइगेन वैल्यू आइगेन वैक्टर पढ़ के क्या होगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आगे सवाल ये भी उठता है कि सर ये क्यों पढ़े आइगेन वैल्यू, इसका क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो, जब भी तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, हमारा मेन टारगेट होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हुए वक्त हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें कई सारे थ्योरी मिलेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरी मिलते हैं और भी बहुत सारे थ्योरी मिलते हैं जहाँ पे हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये जानना है इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको जानने के लिए आप बिना बेसिक को छोड़े आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। हमने पिछले बार ट्राई किया था सीधे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बताने का, बट बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर टू, ओके। तो आज हम बेसिक के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, किस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ओके। और मैट्रिक्स क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले एक लाइन में हम क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज दिस लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा किसको कहते हैं, ओके। देखो, सिंपल वर्ड्स में समझे तो ऐसा मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो एक फिक्स्ड रूल पे चलता हो, ठीक ना, एक फिक्स्ड रूल पे चलता हो। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, एक फिक्स्ड रूल है, उसके थ्रू आपको आउटपुट तक जाना है। इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में समझे कि एक इनपुट है और इस इनपुट से हमें आउटपुट तक आना है। तो आपके पास एक फिक्स्ड रूल, एक रूल मैंने दे दिया, ठीक ना, ये रूल को फॉलो करते हुए आप आउटपुट तक पहुंच जाए, इसी को हम लोग लीनियर एल्जेब्रा में वो करेंगे, काउंट करेंगे। नाउ, कम सिंपल लाइन में क्लियर हो गया लीनियर एल्जेब्रा, ये हमारा सिलेबस का टॉपिक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, ओके। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। लेट थिंक, ये देखो, एक है, दो है, तीन है, पाँच है, 15 है, ये सारा नंबर है, लेकिन आपने इसको अभी अरेंज नहीं किया, आपने एक, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज, आपने इसको एक श्रेणी में लिख दिया। श्रेणी आप लोग पढ़े हो, सिक्वेंस एंड सीरीज पढ़े हैं 8, 9, 10 में, सिक्वेंस एंड सीरीज जो भी क्लास में था। तो ये हमारा अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड सीरीज, आपने इसको सीधे लिख दिया। अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट का एक रूल होता है, किसी भी नंबर्स को अगर अरेंज करना है तो एक सर्टेन रूल से आप अरेंज करोगे। मैंने क्या बोला, अगर अरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ फिक्स्ड रूल आ जाए तो ये किस किस मैथमेटिक्स में इंक्लूड होगा, वो लीनियर एल्जेब्रा में होगा। तो मैट्रिक्स को हम लीनियर एल्जेब्रा में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, गॉट इट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स, बट इन अ फिक्स मैनर, हमें एक फिक्स मैनर में अरेंज करना है। अब ये मैनर कौन डिसाइड करेगा, ये मैनर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आपको अरेंज करना है। तो अब बात करते हैं इसको कैसे अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है एक रॉ एंड कॉलम में, ओके, रॉ और कॉलम्स में। अब रॉ एंड कॉलम्स में अगर आप किसी नंबर को अरेंज करते हो तो वो हमारा हो जाता है मैट्रिक्स, ओके। नाउ, ये रॉ क्या होता है सर, ये रॉ क्या होता है, और ये कॉलम क्या होता है सर, COLUMN, ओके, कॉलम क्या होता है, रॉ क्या होता है, समझना बात को। अगर जैसे स्कूल में लाइन में खड़ा होते हैं, ठीक ना, ये हमारा लाइन है, हम स्कूल में क्या करते हैं, एक बच्चे को यहाँ खड़ा करते हैं, फिर दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, पांचवें बच्चे, ऐसे करके हम लोग खड़ा होते थे अपने स्कूल में, अपने स्कूल टाइम में,
सरकारी स्कूल में तो कैसे भी खड़ा हो जाते थे, बट अगर तुम देखोगे सरकारी स्कूल में कोई टीचर स्ट्रिक्ट आ जाते थे तो हमें लाइन में खड़ा करते थे, ओके। और ये लाइन में बड़ा तोड़ता था, कभी इस लाइन से इस लाइन, कभी इस लाइन से इस लाइन। फिर क्या होता है, दूसरा लाइन स्टार्ट हुआ। ये ऐसे पता है सरकारी स्कूल में पढ़ने का अलग ही मज़ा है। फिर ये लाइन, कोई रूल नहीं कुछ नहीं, मस्त मजा लो। ये लाइन, इस तरीके से हम क्या होते थे, लाइन में खड़ा होते थे। ये हमारा स्कूल का, यहाँ पे प्रिंसिपल बैठ आते थे, प्रेयर होता था, ये प्रेयर का है, और हम लोग ऐसे खड़ा होते थे। अब क्या करो, समझो कि इसको हमने बाउंड्री बांध दिया, इसमें क्या किया हमने, बाउंड्री लगा दिया, ठीक ना, इसमें हमने बाउंड्री लगा दिया। ये सारा कौन है, ये सब स्टूडेंट है, ये सारा स्टूडेंट है। ऐसा करते हैं, इस सारे स्टूडेंट को क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक ना। ये कितना लाइन हो गया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये चार लाइन हुआ, ठीक ना। अब देखो, फिर कोई अगर यहाँ से खड़ा होकर देखेगा, ये तो सामने वाले से खड़ा होकर देख रहा है, कोई अगर यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो वो बोलेगा भैया नहीं, एक लाइन ये है, 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 और एक लाइन ये है, ओके। तो अब इसी को हम रॉ और कॉलम कहते हैं। देखो, जो इधर से बंदा देख रहा है, जो इधर से बंदा देख रहा है वो हमारा इसको रॉ बोलेगा, ओके, रॉ इसको बोलेंगे। तो इसका मतलब हो गया एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन। इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में, अगर इसको हम मैट्रिक्स मानते हैं, तो इस मैट्रिक्स में छह रॉ है। और कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, इसमें चार कॉलम है। गॉट इट यहाँ तक? तो अगर हम पूछेंगे नेक्स्ट कि इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर इज इक्वल टू रॉ इंटू कॉलम, रॉ इंटू कॉलम। इसका मतलब रॉ कितना है, छः, और कॉलम कितना है, चार। तो इसका मतलब अगर हम इस स्टूडेंट के को हम नंबर्स माने और इस मैट्रिक्स को देखें, तो ये मैट्रिक्स हमारा 6 × 4 ऑर्डर का हमारा एक मैट्रिक्स बना। यहाँ तक बात क्लियर? नाउ, अगर यहाँ तक बात क्लियर होती है तो हम आगे चलते हैं। इसको याद करने के लिए कैसे करोगे, हमेशा, ये मेरा प्रॉब्लम है, हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम ना हो, बट मेरा प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा रॉ और कॉलम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं हमेशा रॉ और कॉलम में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भैया ये रॉ था या ये रॉ था। तो मैंने अपने से याद करने के लिए बोला आर फॉर रॉ, आर फॉर रेस्ट। तो अगर रेस्ट करते हैं तो हम लोग सोते हैं, तो सोने वाली लाइन जो होगा वो रॉ होगा, अगर ये लाइन सोने वाली लाइन है रॉ होगा, और जो खरी खरी लाइन होगा उसको हमने कॉलम मान लिया। जैसे अब सिंपली एक एग्जांपल से देखते हैं, सिंपली हम एक एग्जांपल से देखते हैं क्या हमने रॉ और कॉलम, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को कहे कि बताओ भैया ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, बताओ इसमें कितने रॉ है, तो मैं क्या देखूंगा, सोने वाली लाइन 1 2 3, सोने वाली लाइन है ये, तो ये हमारा हो गया रॉ, रॉ हो गया 3, और खरी खरी लाइन कितना, 1 2 3, तो इसका मतलब कॉलम इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 × 3। गॉट इट यहाँ तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बोले कि चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक मैट्रिक्स है, ओके, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें बताओ रो कितना है। तो मैंने क्या बोला, रो इज इक्वल टू रो, जो रेस्ट करने वाली लाइन होता है, एक रेस्ट कर रहा है, दो रेस्ट कर रहा है, तीन रेस्ट कर रहा है, चार रेस्ट कर रहा है, रो इज इक्वल टू 4, और कॉलम कितना हो गया, एक कॉलम एंड दो कॉलम, इसका मतलब कॉलम इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर कितना होगा इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर इज इक्वल टू 4 × 2, ओके, रॉ इंटू कॉलम 4 × 2। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें एम रो है, ओके, इसी मैट्रिक्स है और उसमें कितना रो है, एम रो है, रो इज इक्वल टू एम, और कॉलम कितना है, कॉलम इज इक्वल टू एन, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू m × n। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आ गए, ये ऑर्डर हो गया। लेकिन एक मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, पहले ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, समझना इस बात को। ये एक मैट्रिक्स का सिंबॉल होता है कि ये कवर है, इसके अंदर हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसका मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, मैट्रिक्स में हो सकता है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर डिफाइन करना होगा, भैया कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ये क्लियर हो गया? मान लेते हैं इसको हमने 3 × 4 का मैट्रिक्स बना दिया। नेक्स्ट बात आती है कि इसके अंदर क्या डालोगे, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट डालोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट डालेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ जैसा आपका ऑर्डर होगा,
चूंकि देखो ये 3 × 4 है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं डालेंगे, 3 हो गया, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, 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 तो ये हमारा हो गया, सॉरी ये 4 × 3 का हो गया, एक हमारा यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब देखो कितना है, 1 1 2 3, 3 हो गया, और 1 2 3 4, इसका मतलब 3 × 4 का मैट्रिक्स मेरा बन गया। अब नया सवाल आता है कि भैया यहाँ पे क्या डालोगे आप, यहाँ पे क्या डालोगे? तो इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट डालने जा रहे हो, गॉट इट? तो इसको हम बताते हैं कैसे, एक तुम लोग जब पढ़ोगे बुक्स निकालोगे तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दिखेगा, AIJ, ये तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसे, AIJ, M × N। इसको पहले समझ लेते हैं, भैया ये कौन सा चीज़ है, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़ है, परेशान कर रही है। देखो AIJ का मतलब समझना क्या होता है, अगर मैंने लिखा AIJ, यहाँ पे ये नोटेशन है, इसको हम लोग कहते हैं नोटेशन, नोटेशन। वेक्टर में क्या होता है, IJK एक नोटेशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे IJ एक नोटेशन है जहाँ पे हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। जैसे अगर हम बोले कि i=1 और j=V1 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कैसा बन जाएगा, A11। इसका क्या मतलब होता है, A11 का, A11 का मतलब होता है ये, देखो ये हमारा क्या है, रॉ, रॉ, और ये हमारा है कॉलम, कॉलम। फिर से समझना कैसे, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर में होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अभी हम जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहे, आई जे के की बात नहीं हो रही है, आई एक्सिस को वेक्टर नोटेशन होता है आई, एक्स एक्सिस का वेक्टर नोटेशन आई, वाई एक्सिस का जे। इसका मतलब जो रेस्ट कर रहा है वो हमारा रो है, इसका मतलब कि हमारा पहला रो पहला कॉलम। ओके, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से A21 का क्या मतलब हो जाएगा, A21 का मतलब हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, यहां तक क्लियर? नाउ एक चीज लेते हैं, अगर हम बोल दें A54, A54 इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इस एलिमेंट, ये एलिमेंट जो होगा वो फिफ्थ रो का फोर्थ एलिमेंट होगा, फोर्थ एलिमेंट होगा, फिफ्थ रो का फोर्थ एलिमेंट होगा। कैसे होगा देखते हैं, ये हमारा मान लेते हैं मैट्रिक्स है, तो एक रो ये हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, पांचवा रो में क्या है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये 1 2 3 4, पांचवें रो का चौथा एलिमेंट ये जो है वो हो जाएगा A54। यहां तक गॉट इट, सबको समझ में आ गई यहां तक, कमेंट में बताना अगर समझ में नहीं आई तो। ये हमारा होता है वेक्टर नोटेशन। ओके, वेक्टर नोटेशन होता है हमारा किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहीं से क्लियर होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरह का होता है, ऐसे बहुत तरह का होता है मैट्रिक्स, बट हम मेनली डिवाइड करते हैं, सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये क्या होता है, जैसे ही वो बोल रहा है स्क्वायर, इसका मतलब शेप कैसा होना चाहिए बॉक्स का, स्क्वायर शेप होना चाहिए। और स्क्वायर शेप कब होगा, अगर रॉ और कॉलम इक्वल होगा, कॉलम इक्वल होगा, रॉ इज इक्वल टू कॉलम, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर तुम बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स में लिखा रहेगा मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन, और एम और एन के बारे में मैंने बताया कि एम होता है रो और एन होता है कॉलम, तो अगर रो और कॉलम बराबर हो तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे कितना है, 1 रो, 2 रो, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 रो और 1 2 2 कॉलम, इसका मतलब 3 × 2, तो ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं ना है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये भैया नीचे चलो, नहीं जाओगे नीचे? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से समझना,
कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो उसमें एक डायगोनल एलिमेंट होते हैं। जैसे देखो, ये एक बॉक्स है, ये एक स्क्वायर बॉक्स मैंने बनाया, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये सब साइड्स है और एक डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये बुक्स पढ़ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, हम अभी एक डायगोनल की बात करते हैं। तो ये डायगोनल पे हमें अभी डिस्कस करना है। कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट हो, बाकी जगह एलिमेंट नहीं हो, बाकी जगह एलिमेंट नहीं हो, जीरो हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे जैसे अगर हमने लिखा 1 0 0, 0 2 0, 0 0 3, अभी देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है, इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बट यहाँ पे हम फिर से नोटेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि नोटेशन में इसको कैसे समझा जाता है। तो देखो, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये क्या है, देख ध्यान से देखना है। वेक्टर के फॉर्म में देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ए आई जे के फॉर्म में देखेंगे। ए आई जे के फॉर्म में ये आई क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, एम तक गया, और जे इज इक्वल टू 0 1 2 3, सो ऑन एन तक गया। गॉट इट। अभी देखो तुम देखना कि डायगोनल एलिमेंट पे क्या होता है, अगर इसका हम नंबर बोले, बताइए इसका कितना नंबर होगा। तो देखो ये पहला रो पहला कॉलम, तो इसका मतलब A11 हुआ, इसको बताओ कितना होगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम A22 हुआ, ये कितना होगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम A33 हुआ, इसका मतलब क्या देख रहे हो, 1 1 2 2 3 3, आगे 4 4 जाएगा, 5 5 जाएगा, इसका मतलब वैसा अगर कोई मैट्रिक्स में i इज इक्वल टू j पे जो एलिमेंट है वो जीरो है, i इज इक्वल टू j सॉरी वो जीरो नहीं है, इज इक्वल टू नॉट जीरो, बाकी जीरो है और इस पे जीरो नहीं है, तो उसको हम लोग कह दिया कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से ध्यान से देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, एक यहाँ पे लास्ट टाइम में हम एक बार दिखा रहे हैं। अगर इसको इस तरीके से कहे कि अगर आई इज इक्वल टू नॉट जे है, आई इज इक्वल टू नॉट जे है, तो वहाँ का एलिमेंट जीरो हो जाए, वहाँ का एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। वहाँ का एलिमेंट जीरो हो, बाकी एलिमेंट जीरो ना हो, इसका मतलब जब आई इज इक्वल टू जे हो तो जीरो ना हो, आई इज इक्वल टू नॉट जे हो तो जीरो हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ अगर डायगोनल क्लियर हो गया तुम्हारा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर डायगोनल क्लियर हो जाता है तो डायगोनल से ही देखो कितना मैट्रिक्स निकलता है। डायगोनल हो गया, डायगोनल से मैट्रिक्स निकलेगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल का एलिमेंट सभी एलिमेंट इक्वल हो, अगर डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो, सभी एलिमेंट डायगोनल का इक्वल हो, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। और अगर ये सभी एलिमेंट वन हो, सभी एलिमेंट इक्वल हुआ तो इसको स्केलर हो गया, और सभी एलिमेंट अगर वन हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और यही से एक निकलेगा कि अगर सभी एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स का ही सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब इसी नल मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स निकलेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गॉट इट। यहां तक क्लियर हो गया। फिर से एक लाइन में समझ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुआ जिसका डायगोनल एलिमेंट ही वन हो, सॉरी डायगोनल एलिमेंट पे एलिमेंट हो, बाकी पे जीरो हो। जैसे हम एक एलिमेंट बनाते हैं, हमने ये डायगोनल है, तो बस यहाँ पे एलिमेंट रखना, बाकी पे जीरो 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 जीरो, बाकी पे जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। गॉट इट। डायगोनल मैट्रिक्स जब समझ में आ गया, तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर ये सारे डायगोनल पे वन हो तो उसको, सॉरी सारे डायगोनल पे अगर एक इक्वल हो, अगर यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे सब जगह एक हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पे सब जगह अगर जीरो हो तो उसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसीलिए तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0, दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, कुछ भी नहीं, जीरो मैट्रिक्स है। गॉट इट। यहाँ से नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर में जो एलिमेंट हो सिर्फ वही एलिमेंट हो, ऊपर में यहीं पे एलिमेंट हो,
यहां पर एलिमेंट हो बाकी जगह जीरो हो, इधर नीचे में जीरो हो, यहां पे जीरो हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे 3 4 5 0 2 3 0 0 5। देखो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में एलिमेंट है, बाकी नीचे में एलिमेंट नहीं है, तो ऊपर में एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में सिर्फ एलिमेंट हो, ऊपर में जीरो हो, तो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हो गया तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज सम अदर मैट्रिक्स। फर्स्ट इज आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके ओके नेक्स्ट, व्हाट इज दिस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, अगर कोई इफ एक मैट्रिक्स है, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, अगर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए है और इसी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे और वो भी ए ही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट? इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट यहां तक? नाउ अदर वन इज इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे और वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बारे में अभी बताया कि 1 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके का मैट्रिक्स बन जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। एग्जाम्पल्स तुम बुक्स में पलटना, एग्जाम्पल्स बुक्स में मिलेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। गॉट इट यहां तक? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज, ओके व्हिच इज, व्हाट इज दिस, व्हिच इज निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? निल पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम उसको, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए हो गया, तो हम इसको ए से स्क्वायर एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेट थिंक इस पॉइंट पे ये वैल्यू जीरो हो गया, ओके नल हो गया। निलोपोटेंट का एन फॉर निल, निल मतलब नल से हम कनेक्ट करते हैं। एक ऐसा वैल्यू आएगा जिस पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं निलोपोटेंट मैट्रिक्स। और जिस वैल्यू पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू पे ये जीरो हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। ओके इंडेक्स। अब एक बात बताओ कि अगर ए स्क्वायर पे ये जीरो हो जाएगा तो ए क्यूब पे क्या होगा? ए क्यूब पे क्या होगा भैया? ये जीरो है, इससे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही होगा, आगे भी तो जीरो ही होगा। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे ए पावर एम इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट यहां तक? नाउ अदर वन इज व्हिच इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट जीरो हो, उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर 1 2 एंड 3 6 ले ले, तो इसका बोले डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट कैसे निकला जाता है, इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, तो 6 into 1, तो 6 minus 6 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आई होप कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया होगा। गो एंड प्रैक्टिस करो यहाँ तक, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम और डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे मैट्रिक्स का। ओके इसके बाद जो हम देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर। मैट्रिक्स में भी वेक्टर होते हैं, जिसमें वेक्टर स्पेस जिसको कहा जाता है, वेक्टर स्पेस पे डिस्कशन करेंगे। गॉट इट यहाँ तक? तो आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बेस्ट विशेस टू ऑल, और थोड़ा थोड़ा लेक्चर आपको मिलते रहेगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस।